हवाई किरायों में बढ़ोतरी के साथ ही आपकी एक और समस्या पर मिरर नाउ ने बड़ी कवरेज शुरू कर दी है। वो समस्या खास तौर पर दिल्ली वासियों की है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है कि आपने भी ये समस्या झेली हो। कहीं आपकी गाड़ी आपके घर के बाहर से गायब तो नहीं हो गई है? आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को दिल्ली परिवहन विभाग स्क्रैप कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आपको पता भी नहीं चल रहा और गाड़ी घर से लापता हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अगर बात करें तो उसके अनुसार केवल सार्वजनिक जगहों पर या सड़कों पर खड़ी पुरानी गाड़ियों को ही उठाया जा सकता है। अगर कानून की बात करें दूसरे तरफ तो ये साफ है कि सरकार नोटिस देने के बाद ही किसी व्यक्ति या उनकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी श्रेया का, जो इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ गई है। श्रेया, निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए एक और मुसीबत सामने खड़ी हो गई है कि कई तरीके की परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली का जो परिवहन विभाग है अगर देखा जाए तो बिना उन्हें प्रायर नोटिस के, पहले नोटिस दिए बगैर ही उनकी गाड़ियों को स्क्रैप के लिए उठा ले जा रही है। क्या कहना है दिल्ली वासियों का इस पर श्रेया? जैसे आप बोल रहे वैसे ही हो रहे हैं। मैं अभी लाइव हूँ नेशनल कैपिटल से और बिना नोटिस दिए लोगों के घर से ऐसे गाड़ियों को उठा जा रही है। तो अभी मैं जुड़ गई हूँ एक सीनियर सिटीजन के साथ। सर, आई विल कम टू यू। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप मानते हो कि ये एक हैरेसमेंट है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जहाँ पर गवर्नमेंट कोई नोटिस के बिना ऐसे कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल हैरेसमेंट है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक जो है इस समय ना तो ट्रांसपोर्ट है हमारे यहाँ पे, जो डीटीसी की बसें चल रही हैं वो भी इस तरह की चल रही हैं कि कहीं तो फ्री दी जा रही है और कहीं जो है एक एक दो दो सवारी लेकर उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये तो शुक्र है भाई उसका कि जो मेट्रो चल रही है जिससे लोग काफ़ी सहूलियत है, अदरवाइज बहुत ही नुकसान लोगों को होने वाला है या इससे जो चल रहा है। और लोगों का जो इतना लाखों रुपये लगा के वो गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी को खरीदने के बाद उसको क्या उसका जा तो उनको डिस्पोजल कैस के तरह किया जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। किसी गवर्नमेंट जो है उसका रिपे करे, कुछ भी करे, जब पर मंथ उसका पर ईयर के हिसाब से लगा के वो गवर्नमेंट पे करना चाहिए उसे। सर, जैसे ही आप बोल रहे हो कि लोग इतने सारे पैसे दे के कार गाड़ी खरीदते हैं एंड दिस इज द वे लाइक हाउ गवर्नमेंट इज एक्चुअली टेकिंग द कार अवे, क्या आपको लगता है कि यहीं पे गवर्नमेंट कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, ये हैरेसमेंट है? क्योंकि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक फंडामेंटल राइट होता है लोगों का। ये बिल्कुल राइट है और आप देखेंगे जो भी इंजन जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे यूज होगा, और नहीं तो यही गाड़ियां जो है दूसरे स्टेट में यूज हो रही हैं, ये हरासमेंट है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई लाइन क्रॉस कर रहा है? बिल्कुल है, गवर्नमेंट इसको लाइन को जो क्रॉस कर रहा है और ये ठीक नहीं है, पब्लिक के लिए नुकसान है। आगे ये वैसे भी जो है कोरोना के बाद जो है इतना नुकसान गवर्नमेंट पब्लिक को हुआ है, और ये जो होगा ये और डबल मार होगी, बिजनेस वैसे नहीं है। तो इसलिए मेरा तो यही विचार सुझाव भी है गवर्नमेंट से कि उसका ना कि पैसा जो है उनको दिया जाए ताकि वो जो कॉम्पनसेट कर सके उनको। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस। तो आप सुन सकते हो कि लोगों का यही मानना है कि ये एक हैरेसमेंट है गवर्नमेंट के साइड से और ऐसे नहीं होना चाहिए, लोगों को ऑफ कोर्स एक नोटिस पीरियड देना चाहिए। ओवर टू द स्टूडियो। जी बिल्कुल अश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ बता दें, लगातार हमने अपनी कॉलिंग लाइन भी खोल रखी है और आप हमें अपने वीडियोज भी भेज सकते हैं इस पूरी समस्या से संबंधित। फिलहाल हमारे साथ नूर अहमद जी जुड़ गए हैं। जी नूर जी, बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से परिवहन विभाग की मनमानी चल रही है सरेआम के, बिना नोटिस दिए बिना सूचना दिए पता चल रहा है कि लोगों के घरों के बाहर से उनकी गाड़ियां गायब हो जा रही हैं। जी नूर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को यह बता दें कि लगातार मिरर नाउ इस पर बड़ी कवरेज कर रहा है, जो आपकी समस्या है। और इसी समस्या पर, ताकि आपकी समस्या को कम किया जा सके, इसी पर लगातार हमारा फोकस है, केंद्र बिंदु हमारा इसी समस्या पर है।
और चलिए इसी बड़ी खबर पर आपको बता दें कि दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप भी दिल्ली वासियों से सीधा मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास भी आप भी या आपके कोई रिश्तेदार संबंधी इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी पर लगातार हम वो नंबर दे रहे हैं, आप हमें अपना वीडियो साझा कर सकते हैं हमारे साथ, साथ ही साथ जो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है आप हमें वहां भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, ये कितना उचित है, कितना कारगर है। तो राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं और सिटीजन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा नाव में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए ये लोगों का राइट है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो एक लोकतांत्रिक देश है सर बात की जाए, लेकिन क्या परिवहन विभाग उनके साथ ये राइट कर रहा है, क्या ये तरीका उचित है, इस पर आपसे जवाब लेंगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सर, माफी चाहूंगी आपसे, नूर अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए। जी नूर जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से परिवहन विभाग की ये लगातार जो ये मनमानी चल रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या इस पर अब अंकुश लगाना चाहिए, क्या ये उचित है? ये तो लोगों के लिए पूरी लोगों के साथ में नाइंसाफी है। जी लोगों के साथ में इतना इंसाफी है, और अगर गाड़ी उठाना भी है जो भी करना है आपको, आपको ओनर की परमिशन लेना चाहिए और एक सर्टिफाई उसको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। भाई ठीक है आप गाड़ी उठा रहे हैं तो उसको अपना नई गाड़ी खरीदने के लिए आप क्या बेनिफिट देंगे ये बताइए। जी बहुत ही उचित यहाँ पर आपका सवाल है नूर अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी देखिए एक आम नागरिक जो है देश का, दिल्ली वासी जो है वो भी साफ जानता है कि दिल्ली में अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो भी नहीं चाहेगा कि शहर की तबीयत बिगड़े उसकी वजह से, लेकिन एक तरीका होता है राजीव जी, और शायद दिल्ली वासी भी उसी तरीके का इंतजार कर रहे हैं कि अगर आपको गाड़ी उठानी है तो हमें एक सूचना दे दीजिए कि एक गाड़ी आपकी स्क्रैप में जा रही है, उसी से संबंधित हमें मुआवजा दीजिए ताकि हम अपनी नई कार खरीद सकें। एक उचित कदम, उचित व्यवहार तो होना ही चाहिए। धन्यवाद आपको मुझे मौका देने के लिए। ये विषय दो विषयों पर है, एक पॉल्यूशन जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट का चीज है, ये एक यूनिवर्सल इशू है, लेकिन इस हो सकता है कि इसकी ग्रेविटी दिल्ली में ज्यादा है, तो उसके लिए अगर आप एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आपको लीगल तरीके से ही करना पड़ेगा। आप लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते, कानून बनाने वाले कानून को तोड़ नहीं सकते, जो खुद कानून बनाया है उसका पालन नहीं कर पा रहे। मैं सारे जनता को जागरूक इस विषय पर करना चाहता हूं कि आप कोई भी गाड़ी इस देश में खरीदते हैं तो इस देश का एक एक गाड़ी को खरीद बनाने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए और उसको चलाने के लिए इस देश की संसद में कानून बना रखा है, और उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके पहले 1939 का था जो अमेंड हुआ 1988 में। अब इस कोई भी व्हीकल जो आदमी परचेज कर रहा है, एक सिटीजन परचेज कर रहा है, उसकी गाड़ी उस कानून के अंदर कवर्ड है। अब उसमें एक्सेप्शन कहां से क्रिएट हुआ, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हिडन एजेंडा चल रहा है। इस कानून का उल्लंघन पता नहीं, केंद्र सरकार भी चुप है और दिल्ली सरकार तो बखूबी पूरी चुप है, वो क्यों? मैं दो इशू रेज कर रहा हूं कि आपका ये इशू कहां से खड़ा हुआ। ये खड़ा हुआ आपको एनजीटी में, एनजीटी में दिल्ली का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक मल्टीपल ऑप्शन सजेशन दिया कि दिल्ली में मैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 10-12 चीजें करना चाहता हूं। उसमें से एक सजेशन उन्होंने दे दिया कि डीजल की व्हीकल जो 10 साल की होगी उसको हम स्क्रैप कर देंगे। सबसे पहला चीज कि दिल्ली एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट द अथॉरिटी अंडर द एमबी एक्ट, उनको किसने ऑथराइज किया वहां पे ये सजेशन देने का पता नहीं। एनीवे चूंकि वो सरकार का सजेशन था, एक विभाग का सजेशन था, एनजीटी ने कहा कि आपका सजेशन है, मैं मान लेता हूं, और वही सजेशन फिर उठ के चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जो लोग खड़े थे, जितने भी लीगल बड़े कानून के ज्ञाता लोग होंगे वहां पे, लेकिन वहां पर भी किसी ने ये प्लीडिंग नहीं किया कि ये जो 10 साल का स्क्रैपिंग की बात हम कर रहे हैं, इट इज ऑफेंसिव टू द मोटर व्हीकल एक्ट। अब देखिए क्या है कि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी गाड़ी का एज डिसाइड करने का पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मीन्स की वो एज जो होता है उसका डिसाइड जो करते हैं गाड़ियों का, वो सेक्शन 59 में, और ये पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यूनिवर्सली पूरे कंट्री में गाड़ी का जो एज आज के तारीख में जो डिसाइडेड वो 15 साल है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, डीजल की हो या पेट्रोल की हो।
आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, आपके रजिस्ट्रेशन पे आज दिल्ली में जी भी DTO 15 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा है। प्रश्न उठता है कि ये 15 साल को 10 साल जी बिल्कुल राजीव जी, बात यहाँ पर वही हो रही है कि एक बेहतर तरीका होना चाहिए। सर आपको यहाँ मैं रोक रही हूँ, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए मुंबई से, संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और पायल जी जुड़े। सबसे पहले संजय जी आपकी परेशानी मैं पूछना चाहूंगी, हालांकि आप मुंबई में रहते हैं, दिल्ली वासियों के लिए या फिर कल को मुंबई में भी इसी तरीके की प्रक्रिया शुरू हो जाए कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप सुबह सोकर उठ रहे हैं और अपने लॉन में देख रहे हैं तो आपकी पुरानी जो गाड़ी खड़ी थी जिससे आपके बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं वो कार अचानक से गायब हो जाती है। मैडम आई एम कॉलिंग फ्रॉम एरिया कॉल्ड चारकोप, आप सुन सकती हैं मुझे? हेलो जी बिल्कुल सर सुन सकते हैं जी सर। संजय जी, संजय जी सुन सकते हैं। दिल्ली वेस्ट में एक एरिया है चारकोप, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आई थिंक देयर शुड बी अ रूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स। मेरे एरिया में इस समय करीब 40-50 गाड़ियाँ लावारिस की खड़ी हैं जिसमें 30-40 साल पुरानी ना बिक सकती है, ना RTO ट्रांसफर होता है और लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये डेड एंड है यहाँ पे, सड़क बिल्कुल खत्म होती है तो लोगों ने अपनी सभी गली गाड़ियां यहाँ ला के पार्क कर दी है। करीब 30-40 गाड़ियां हमारे एरिया में चारकोप में इनकी हैं, उसके अलावा पुलिस स्टेशन है चारकोप में, उनकी गाड़ियां खड़ी रहती है। तो दिस प्लेस इज बिकम अ हेल, सो आई थिंक दिस व्हाट द दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग वेदर इट्स लीगली अलाउड और नॉट बट इट शुड हैपन इन बॉम्बे। स्क्रैपिंग बहुत जरूरी है और मैंडेटरी स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट शुड पिक ऑल दीज व्हीकल्स, टेक देम टू अ स्क्रैप यार्ड एंड गेट देम स्क्रैप, बिकॉज ओनर्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। BMC उनके ऊपर स्टिकर लगाती है, पुलिस डिपार्टमेंट स्टिकर लगाती है, कोई ओनर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। जी जी संजय जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आपको बता दें पायल जी दिल्ली से जुड़ गई हैं, दिल्ली वासियों की असल में ये मुसीबत है। पायल जी आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कार थी घर के नीचे खड़ी थी, तो हम कहीं घर से बाहर निकले हुए, मेरी ओल्ड मदर थी घर पे, कुछ पता नहीं, मतलब 2 दिन से इतना परेशान है, हम आउट ऑफ दिल्ली है, हमारी कार कहाँ गई है कोई कुछ पता नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इतना परेशान है, छोटा बच्चा है घर में, मदर इन लॉ है, सब परेशान है और हमारी कार का कुछ नहीं पता। जी जी पायल जी आपका शुक्रिया हमारे साथ अपने विचार रखने के लिए। तो ये देखिए दिल्ली वासियों की ये समस्या है कि उन्हें पता नहीं, वो घर के बाहर हैं और गाड़ी जो घर के भीतर खड़ी है गाड़ी को लेकर चले जा रहे हैं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, ना ही मेल द्वारा, ना कोई पत्र व्यवहार है, कुछ भी नहीं। तो ये दिल्ली वासियों की एक अहम समस्या है जिस पर हमारा पूरा फोकस, और हमारे साथ हमारे जो मेहमान है राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी देखिए दिल्ली वासियों की, अभी आपने सुना पायल जी की क्या मुसीबत थी कि पायल जी खुद बाहर गई थी, उनकी जो सासू माँ थी वो घर में थी लेकिन उन्हें भी पता नहीं और गाड़ी घर के बाहर से गायब हो जा रही है। गाड़ी हो सकता है चोर ले जाए, कौन ले जाए, किस तरह की हरकत है और सरकारी महकमे को इस तरह की हरकत क्या शोभा देता है? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हूँ, काफी लोग मुझसे जुड़े भी हैं इस इशू पे। आपको मैं बता दूं जैसे दो इशू, जैसे बॉम्बे के हमारे जो मित्र बोल रहे थे स्क्रैपिंग के लिए, मैंने RTI लगाया था 2021 में, जून 2021 में मैंने RTI लगाया और एक साल बाद मुझे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने RTI का जवाब दिया। मैंने पूछा कि आपने स्क्रैपिंग पॉलिसी कहाँ बनाया और किस मोटर व्हीकल के किस कानून के तहत बनाया, तो उसका उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया। उन्होंने मुझे डिस्क्लोज किया अपनी स्क्रैपिंग पॉलिसी जो 24 अगस्त 2018 की है, और उसके बाद उन्होंने डिस्क्लोज किया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन जो कि 23 सितंबर 2021 की है, क्योंकि ये स्क्रैपिंग के भी पॉलिसी बनाने की पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी दी और अपनी पॉलिसी दी है तो उनकी पॉलिसी भी आज क्लियर कट 15 साल दिख रहा है, तो वो किस हैसियत से, पता नहीं किस कानून के तहत, किस ऑर्डर के तहत ये लोग गाड़ियों को बने 15 साल से कम की गाड़ियां या उसके बाद की गाड़ियां बिना कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटी फुलफिल किए हुए उठा कैसे रहे हैं और उठा रहे हैं और इम्प्यूनिटी के साथ उठा रहे हैं। दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग द वर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड एनार्किज्म है ये, इससे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड एनार्किज्म हो ही नहीं सकता, जहां सारी जनता कंफ्यूज है, सब इमोशनल आउटबर्स्ट कर रहे हैं और सबको पता है व्हाट इज लॉ, लॉ इज अ कॉमन रोबस्टेंस, सब लोगों को लग रहा है गैर कानूनी काम हो रहा है लेकिन बेचारे सारी जनता इस कानून से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या है, मैं इसलिए शुरू में आपको बता रहा था
इसका ये चीज है, जब से सुप्रीम कोर्ट में 1985 से जो एक पिटीशन चल रहा है एमसी मेहता वर्सेस हो, इसमें बीच बीच में उनका बहाना ले लेके कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकलते रहते हैं जो कि कॉन्ट्रारी टू द लॉ होता है। मैं ऐसे इनके एक कानून को मैंने चैलेंज किया 2005 में और सक्सेसफुली चैलेंज किया था। जब मैं दिल्ली ट्रांसफर होकर आया था और मैं अपनी गाड़ी लेकर आया था तो मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी उस वक्त, क्यों? एप्का ने एक रिकमेंडेशन दे दिया है कि जो भी बाहर से गाड़ियां आएगी। जी बिल्कुल राजीव जी, आपको रोकना चाहेंगे। देखिए लगातार जो दिल्ली के लोग हैं वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अपनी मुसीबत हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। राजीव जी माफी चाहूंगी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग हैं आम जनता उनकी आवाज पहुंचाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। जो हमारे साथ सबसे पहले रुक करेंगे कौशिक जी का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। जी कौशिक जी अपनी बात रखिए। नमस्कार मैडम, मेरा नाम परवेश कौशिक है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मैडम, ये जो कैब पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है इसमें बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है एग्जीक्यूशन पार्टी जो है हमारी और जो पॉलिसी बना रही है पॉलिसी मेकर उनका। इतना ज्यादा परेशान इन लोगों ने हमें कर दिया है, हमसे रजिस्ट्रेशन पूरे 15 साल का इन्होंने हमसे लिया है। हेलो जी 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 बिल्कुल मैडम, इन्होंने पूरा 15 साल का रजिस्ट्रेशन लिया है और जो हमने 15 साल का रजिस्ट्रेशन किया है अब वो 10 साल का हमें वैलिडिटी दे रहे हैं। एक तो ये सवाल जो राजीव जी उठा रहे हैं बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में वो जा रहे हैं, हम उनका पूरा दिल्ली वासी सभी लोग उनका सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये मैं आपको कहना चाहूंगा, 10 साल में जब गाड़ी हमें दिल्ली से बाहर बेचनी पड़ती है तो हमारी जो वैल्यू है गाड़ी की जो 10 साल में नेचुरली होनी चाहिए उससे भी नीचे जाके गिर जाती है। बिल्कुल 1-1.5 लाख रुपए में 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां जो हमने ली थी 8-9 साल में सिर्फ इतनी वैल्यू रह जाती है। और ऊपर से अभी इतना दिल्ली गवर्नमेंट बीच बीच में लाती रहती है कि डीजल गाड़ियां 5 साल से ऊपर वाली रोड पे नहीं आएंगे। एक एक महीना 15-15 दिन हम लोग इतना सफर करते हैं, गाड़ी घर में है लेकिन रोड पे नहीं ला सकते क्योंकि चालान कट जाएगा और 5-5, 10-10 हजार का चालान कट जाता है, एक आम आदमी कैसे बियर करेगा। बहुत परेशान कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें। जी कौशिक जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली सरकार की तरफ से परेशान हो गए हैं कौशिक जी और तमाम ऐसे लोग दिल्लीवासी जो फिलहाल जो ये नई पॉलिसी निकली है जिनकी लोगों की गाड़ियां जो है उनके घर के बाहर से उठा ली जा रही है बिना उन्हें सूचित किए। और हमारे साथ राघवेंद्र जी हैदराबाद से जुड़ गए। जी राघवेंद्र जी, दिल्लीवासियों की जो मुसीबत है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? Yeah, madam. I am from Hyderabad, but I spent lot of time in Delhi. I have noticed couple of things. एक तो पॉलिसी जो स्क्रैप पॉलिसी लाया गया है 15 साल का मैंडेट करनी चाहिए बोथ सेंट्रल एंड स्टेट दोनों भी एक डिसीजन लेके इसको स्क्रैप पॉलिसी करनी चाहिए एंड दिस हैज टू बी डन इन दी लॉन्ग रन क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन वगैरह जितने भी आ रहे हैं उनको मद्देनजर में रखते हुए ये चीज करना जरूरी है। दी प्रॉब्लम दैट आई ऑल्सो फेस इज एवरी टाइम ये गाड़ी आउटडेटेड हो जाता है, वो टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, पीपल डोंट यूज दिस व्हीकल्स एनीमोर। वो जहां पर भी बड़े बड़े लोकेलिटीज में या मेन रोड के आसपास में जहां पर हैबिटेशन नहीं रहता गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, विच इज अनदर प्रॉब्लम दैट कॉमनर कॉमन सिटीजन विल फेस। सो ये दोनों तरफ का प्रॉब्लम है। अनलेस वी डिस्कार्ड दी ओल्ड व्हीकल्स we cannot have a newer ones space for newer ones. So in my view the policy need to be adhered to in any case and unnoticed bagair koi notice ke log leke chale ja rahe hain un cheezon ka there has to be some kind of a mechanism where the owners need to be informed about it but owners also should vehicle owners also should think positively in terms of this change and ये 10-15 साल के बाद में गाड़ी का वैल्यू मैं 10 लाख में खरीदा तो 1 लाख में मेरा बिक्री है, ये थॉट शुड नॉट बी देयर व्हेन वी आर विलिंग टू पे फ्रॉम 40 रुपीज अ लीटर पेट्रोल टू 100 रुपीज अ लीटर पेट्रोल, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द रीसेल वैल्यू ऑफ द व्हीकल। जी राघवेंद्र जी सिटीजंस आल्सो जी बिल्कुल राघवेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आपको बता दें फरीदाबाद से तरुण जी इस वक्त जुड़ गए। जो तरुण जी अपनी बात रखिए, किस तरीके से जो दिल्ली वासियों को फिलहाल जिस समस्या से दो चार होना पड़ रहा उस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैडम कि ये जो प्रमाइस है पुरानी गाड़ियों का इसमें अगर एक व्हीकल दो एसेंशियल चीजें फुलफिल करती है कि आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल उसका वैलिड है और उसकी
आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट अवेलेबल है, देन देयर इज नो लॉजिकल रीजन कि उस गाड़ी को आप रोड से हटाएं, ये मुझे ये लगता है। दूसरी बात मैडम ये कि कार इज नॉट ए एवरीडे परचेज, मिडिल क्लास फैमिलीज सालों तक ईएमआईज भर के कार को रखती हैं, ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनता है, जैसे आपने लिखा था फैमिली हेरिटेज, इट एक्चुअली बिकम्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली, यू डू सो मच इन योर कार, यू सेंड योर चिल्ड्रन स्कूल, यू टेक देम टू कॉलेज, यू अटेंड मैरिजेस, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट बाय एंड थ्रो अवे। सो वॉट आई फील इज इफ योर व्हीकल इज कंप्लाइंग विद पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन एंड इफ इट इज कंप्लाइंग विद द फिटनेस सर्टिफिकेशन, कोई वैलिड रीजन बनता नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंकने का, एंड इट इज नॉट द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऑटो इंडस्ट्री को प्रमोट करे या वो पार्किंग इश्यूज सॉल्व करे, दीज आर नॉट यू नो थिंग्स विद द कॉमन सिटीजंस कंसर्न्ड। आई बॉट अ कार, आई बॉट इट फॉर 20 इयर्स, इट इज माय इंडिविजुअल चॉइस, माय इंडिविजुअल राइट टू मेंटेन दैट कार, इफ आई मेंटेन इट टू फिटनेस द गवर्नमेंट शुड नॉट बी यू नो केपेबल ऑफ टेकिंग इट अवे फ्रॉम मी फोर्सफुली, ये मेरा ओपिनियन है। जी तरुण जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे मेहमान राजीव हमारे साथ जुड़े हुए, राजीव जी देखिए हर जो इंसान है, दिल्ली के लोग हों चाहे दूसरे शहरों के लोग हैं, लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वे, अगर आप गाड़ी उठा रहे हैं तो यहाँ पर एक उचित व्यवहार के तरीके आप गाड़ी उठाइए, 10 साल पुरानी हो गई, 15 साल पुरानी हो गई कोई बात नहीं, आप उन्हें सूचित कीजिए, हो सकता है वो खुद ही स्क्रैप में अपनी गाड़ी लेकर जाके डाल दें। देखिए मैडम, ये लोग जितने लोग बोल रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि ऑलरेडी ये कानून बना हुआ है। भारत सरकार ने, आपको मैंने जो बताया कि स्क्रैपिंग पॉलिसी 23 सितंबर 2021 को गजट नोटिफिकेशन हो रखा है, उसका ही ट्रू कॉपी आपको दिल्ली सरकार के का भी स्क्रैपिंग पॉलिसी बोलता है, उसका पालन किया जाए किसी भी जनता को कोई ग्रीवांस नहीं होगा, और अगर कोई जनता उसका उल्लंघन करती है तो वो सजा और उसका दोषी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो कानून बना हुआ है, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसका पालन सरकार ही नहीं कर रही है, राज्य सरकार नहीं कर रही, और इसका कोई जवाब जनता को नहीं दे रही है। बीच में आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री दिल्ली सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं, एक वक्त बोले थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात सोच रहे हैं, फिर अचानक चुप। एक बार एक न्यूज टाइम्स इंडिया में ये भी आया कि केंद्र सरकार का मंत्रालय जो है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सोच रहा है। आखिर ये बताइए, जो मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश को यूनिफॉर्मली लागू है, तो उसमें ये एक्सेप्शन कहां से कार्व आउट हो गया दिल्ली के लिए? मैं पॉल्यूशन कम हो, मैं इसके साथ हूं, लेकिन जब पॉल्यूशन के मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में गया और अपने मोटर व्हीकल की एक्ट के अगेंस्ट में कोई सजेशन दे दिया, देयर वाज नो ओकेजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर वेदर इट इज गोइंग टू बी रिपग्नेंट टू द पार्लियामेंट्री लॉ। और आज के डेट में मैं उस एडवोकेट से भी बात किया जो उसको प्रेजेंट थे कोर्ट में, जो कोर्ट में ये कर रहे थे, ही वाज ब्लैंक एंड ही टोल्ड मी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो 141 में ये कानून मर गया। हम कह के वो कानून क्या संसद के कानून से बड़ा हो गया? इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जनता बिल्कुल राजीव जी सवाल भी तो वही उठ रहा है कि देखिए आम जनता भी तो वही कह रहे हैं कानून बना दीजिए, कानून से उन्हें कोई परहेज नहीं है। राजीव जी कानून बनाइए, उसे लागू कीजिए, लेकिन एक सही तरीका होना चाहिए। चलिए राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरीके की बातें करने के लिए। जी जी बिल्कुल राजीव जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की पाबंदी इसलिए आपसे क्षमा चाहूंगी। और एक कॉलर हमारे साथ सुनील जी मुंबई से जुड़ गए। जी सुनील जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये जो नया रूल आया है, ये जो दिल्ली में जो चल रहा है, आई थिंक इट इज वेरी रॉन्ग। अभी आप देखिए जो गाड़ियां, जो एक महंगी गाड़ियां हैं, जैसे मर्सिडीज है, ऑडी है, या जो भी अलग गाड़ियां हैं, उनका 15 साल और या 20 साल इज हार्डली एनी प्रॉब्लम। क्योंकि ठीक है, अगर जो सस्ती गाड़ियां मे बी दे गिव प्रॉब्लम, लेकिन आप जस्ट यू कैन नॉट कैटराइज एवरीथिंग। एंड आई थिंक जो लोग बात कर रहे हैं कि अगर आरटीओ जो अगर उसको आप पास करता है कि आप पोल्यूशन टेस्ट कराइए, आप रोडवर्थीनेस कराइए, अगर वो सब पास होता है तो फिर ये उठा के लेके जाना है, ये क्या दादागिरी लगाया हुआ है? ये दिस हैज टू स्टॉप। जी जी सुनील जी बिल्कुल शुक्रिया आपका, दिस हैज टू स्टॉप और इस पर रोक लगनी चाहिए। एक
प्रॉपर तरीका होना चाहिए ताकि दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कानून भी लोगों के लिए ही बनाया जाता है और ये सरकार भी लोगों से ही है। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली के बाकी लोगों का क्या कुछ कहना, हमारी सहयोगी इशिका ने उनसे भी बातचीत की, वो भी आप देखिए। Now I am in one of the societies here in Delhi and I'll go across to the people here. सर पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी ड्राइव निकाली है दिल्ली सरकार ने इस साल, उसमें क्या हो रहा है कि बिना प्रायर नोटिस के जो है सिटीजन्स की जो गाड़ियां हैं उसे गवर्नमेंट उठा के ले जाती है, क्या आपको भी यहाँ पे कंप्लेन ऐसी मिली है? जी मैम, बिल्कुल ऐसी ही कंप्लेन हमारे यहाँ, वो लोग आए भी थे और उन कोई नोटिस किसी भी निवासी को यहाँ नहीं दिया गया, बस वो आए और आके खड़े हो गए, उनके साथ क्रेनें भी थी दो तीन और उन्होंने बिना किसी नोटिस के क्रेन गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी। इवन कि उन्होंने ये भी पूछना मुनासिब नहीं समझा कि ये गाड़ी यहाँ पर किसकी है, उन्होंने उस गाड़ी को अपने क्रेन की चैन को लगाया और वो टोकर कर ले जाने लगे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये ऐसे कैसे हमारी गाड़ी उठा कर ले जा रहे हैं, कॉलोनी में बड़ी चाओस की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वो ये पॉलिसी बेशक चालू रखे और ले जाएँ, लेकिन वो हमारे को सबसे पहले नोटिस ज़रूर दें जिससे हमें पता हो कि उठाने वाले वो लोग सही व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ मैं एक मैडम आपसे और आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक निश्चित किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद ही वो उसको स्क्रैप के ऊपर लगाए, अदरवाइज़ वो उसकी फिटनेस कराए और हम लोगों को उस गाड़ी को आगे चलाने के लिए भी, जिससे कि हमारे को फाइनेंशियल बर्डन ना बन सके। वी आर द मीडियम क्लास पीपल और हम लोग भी अपने बच्चों के साथ उस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकें और हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी निवेदन करना चाहते हैं। So as you're hearing these voices, the people are saying that the transport department official, they come, they don't even ask whose vehicle that is, they just take the vehicle. And when the citizens protest that why are you taking the vehicle without prior information, without prior notice, they do not. और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आनंद जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आनंद जी, क्या कुछ कहना है आपका दिल्ली वासियों के इस समस्या पर? मैम हमारा ये कहना है कि ये तो नियम तो है, ये तो गलत है, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि एक आदमी के इन अ सिंगल फैमिली यू शुड हैव ओनली वन कार, दिस रूल शुड बी अप्लाइड एक्चुअली, वन कार ऑन वन नेम। जी दिस इज माय सजेशन मैम। जी आनंद जी, आप जी आनंद जी शुक्रिया आपके इस सजेशन के लिए। तो आनंद जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े थे, लगातार हम दिल्ली वासियों की इसी समस्या के बारे में दिखा रहे हैं किस तरीके से बिना किसी पहले पूर्व सूचना के, आपको बता दें कि परिवहन निगम द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा ये लगातार जो दिल्ली के लोग हैं वो ये समस्या फेस कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को बिना किसी सूचना के ही उठाया जा रहा है।